हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर की तरफ से ये कोर्स कराया जाता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स अप्लाई करने के लिए www.ruhs.raj.org पे हम लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे और क्या लास्ट डेट है और कितने साल का कोर्स है और फीस कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुकलेट के अकॉर्डिंग हम ये RUHS के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो कोर्स है वो फोर्थ ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है, बेसिकली फोर्थ ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। बैचलर ऑफ नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जो नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड है। स्टार्ट फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 18 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ फीस एप्लीकेशन की है वो 5 सितंबर फीस रहेगी और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ वेबसाइट की 6 सितंबर आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड अप्लाई फॉर्म के बाद एक्सेप्ट फॉर्म होने के बाद आपका एडमिट कार्ड अनाउंस किया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम 3rd और 4th वीक लास्ट सितंबर वीक में हो सकता है, या तो 23 तारीख या फिर 27 तारीख के या 30 तारीख के बीच में हो सकता है। प्रिंट आउट टू बी सबमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप अपना जो एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा एग्ज़ाम के बाद भी, जब आपका एडमिशन होगा तब आपको रिक्वायर्ड रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो OBC कैटेगरी है, SC और जनरल कैटेगरी, उनके लिए 1800 रुपये फ़ीस है। SC ST और ST STA कैटेगरी ऑफ राजस्थान स्टेट के लिए 900 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th साइंस बायो होना कंपलसरी है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट 17 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट में अंडर। और कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन EWS चाहिए। SC ST OBC आपको ये सब प्रमाण पत्र बने हुए होने चाहिए। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। राजस्थान के लिए जो 85% के कोटा रहेगा और 15% टोटल सीट फिलअप बाई कैंडिडेट ऑन द ऑल इंडिया बेसिस रिजर्वेशन ऑफ ए बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान। द परसेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट आर शैल नॉट फेल बिलो 50% ऑफ द टोटल सीट ऑफ ऑल कैटेगरीज। में ऐसा है 50% सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और 50% बॉयज के लिए रिजर्व सीट है। इन प्राइवेट कॉलेज 50% रिजर्व सीट इन द इनटेक सेक्शनल सेल बी फिल थ्रू RCA नर्सिंग 2022। रिमेनिंग 50% सीट इन इनटेक सेक्शन ईच प्राइवेट कॉलेज साल भी फिल थ्रू के कंसर्न फेडरेशन इज एप्लीकेट। 50% सीटें जो प्राइवेट की रहेगी वो एग्जाम के थ्रू फिलअप की जाएगी और 50% वो अपने ऑन बेसिस पे फिलअप की जाएगी। फीस स्ट्रक्चर जो हम आपको बता सकते हैं, 50,000 रुपये फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की और 70 से 80,000 रुपये फीस रहेगी प्राइवेट कॉलेज की। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बुकलेट के थ्रू हम देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे, प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और रिजर्व 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फिल ऑनलाइन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंपलसरी विथ यू। ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, कॉपी ऑफ फोटो ID, एडमिट कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें लिए आप एप्लीकेबल हो, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन द रिस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू अलॉटेड कॉलेज। ये जो डॉक्यूमेंट है वो जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताएं आपका जब एडमिशन हो जाएगा उस टाइम आपको रिक्वायर रहेगी। एडमिशन टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। टोटल जो एडमिशन टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड टेस्ट रहेगा। 120 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा एग्ज़ाम एट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ जयपुर ओनली। ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ जयपुर में ही कंडक्ट किया जाएगा। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन एनी क्वेश्चन देन द इंग्लिश वर्जन विल बी ओनली बी कंसिडर। जो अगर हिंदी और इंग्लिश में पेपर जो आएगा उसमें दोनों लैंग्वेज बहुत एक साथ रहेगा और अगर कोई त्रुटि रही हिंदी पेपर में वो इंग्लिश की
इंग्लिश को वो वैलिड करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पेपर को, इंग्लिश की जो लैंग्वेज रहेगी वो वैलिड रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको क्वेश्चन वैलिडेट करेंगे। सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 33 क्वेश्चन फिजिक्स, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 34 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन हैं और 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे इसमें। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि पर क्वेश्चन जो आपका राइट होगा उसका एक मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। अगर आप 60+ मार्क्स लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है, और अगर आप 30 to 40 या 50 नंबर लाते हैं तो आपका प्राइवेट कॉलेज में अलॉट हो पाएगा। आपको एडमिशन के लिए कोई आपको किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा, TA DA अलाउ नहीं है। एलिजिबिलिटी 12th रिजल्ट अवेटेड सप्लीमेंट्री कैंडिडेट, अब इसकी बात करते हैं, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, जिसका रिजल्ट 12th में नहीं आया है या जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, हम आपकी बात करते हैं। फॉर ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट बाई द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। जब आप फिल करोगे, टाइम ऑफ चॉइस जब डालोगे कॉलेज की, तब आपको ये रिक्वायर रहेगा। कैंडिडेट हु आर प्रजेंटली अंडर अपीयर रिजल्ट अवेटेड सप्लीमेंट्री कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर रिजल्ट एट द RUHS वेबसाइट बाय द नोटिफाइड डेट बाय एंटरिंग थ्रू देयर फॉर्म नंबर। फेलिंग विद देयर कैंडिडेट शैल स्टैंड कैंसल और बाय द फॉलोइंग प्रोसीड इट माई बी इन्फॉर्म टू RUHS वेबसाइट। जब अभी रिजल्ट नहीं आया, वो अप्लाई के लिए वो जो अलग से एक परफॉर्मा देंगे उसमें आपको उसकी चॉइस डालनी पड़ेगी। नंबर चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, आफ्टर अपीयरेंस अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल चॉइस ऑफ द कोर्स एंड कॉलेज इन ऑर्डर टू प्रीफ्रेंस बाय पेइंग 550 रुपीज एज काउंसलिंग फीस नॉन रिफंडेबल गाइडलाइन। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज या 10 कॉलेज आप डालेंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, उसमें 550 रुपये फीस आपकी मैंडेटरी रहेगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, बेसिस ऑन द स्कोप ऑफ द एडमिशन टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ चॉइसेस। ऑप्शन फिल इन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द एडवाइस टू एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ ऑप्शन वेरी केयरफुली। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्सेज, द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्सेज शैल बी मेड बाई द स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और अगर किसी के सिमिलर मार्क्स आते हैं तो वो हैव पास 12th इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन लिस्ट नंबर ऑफ अटेंड द कैंडिडेट ऑफ ए हायर एज, जो एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और रिपोर्टेड एट अलॉटेड कॉलेज एंड डिपॉजिट फीस अदर डॉक्यूमेंट, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट विल हैव ए कैरी प्रिंट आउट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर। आपका जब आप काउंसलिंग फिल करेंगे तब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको, अगर कॉलेज आपको आवंटित हो जाता है तो आपको एक लेटर मिलेगा, वो आपको उस टाइम लाना पड़ेगा जब आपको चॉइस ऑफ काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट के टाइम। द कैंडिडेट इज रिक्वायर डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब फीस अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट रिलीज टू बॉन्ड एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज 50,000 रुपये, ये अभी एक नया डाल दिया है। अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये नर्सिंग में आपको पे करके फिर आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो, इसमें एक चीज़ ये है। एडमिशन ऑन द वैकेंट सीट या ड्रॉप आउट सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इज डिक्लेयर द एडमिशन ओपन बाय द एडमिशन बोर्ड एट कॉलेज लेवल एडमिशन एट द रिमेनिंग वैकेंट सीट ड्रॉप सीट। जब ज़्यादा कोई छोड़ देता है सीटें अगर खाली रह जाती है तो एडमिशन इंडिविजुअल कॉलेज अपने हिसाब से वो काउंसलिंग या किसी के सीट फिलअप कर सकता है। बस यही है स्पेशल पॉइंट, और ये मैंने आपको 50,000 रुपये वाला बताया था वो ये है, राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय अधीन सरकारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए पूर्ण करने से मध्य में अगर कोर्स छोड़ दिया जाता है तो 50,000 रुपये पेनल्टी है। ये थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको नर्सिंग करनी है तो ये आप फॉर्म फिलअप करें, अगर बीच में आप कॉलेज मिलने के बाद में, ऐसा नहीं है आप पहले ज्वाइन करोगे उसके बाद में अगर 2-4 महीने आप
आप मतलब पढ़ाई करते हो उसके बाद छोड़ते हो तो 50,000 रुपये बनना है, वरना ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म ही नहीं फिलअप करो, अगर फॉर्म फिलअप कर दिया आपको कॉलेज मिल गया तो आपको 50,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से फॉर्म फिलअप करो, आप एग्ज़ाम दो, आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप एडमिशन लो, वरना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो आफ्टर ओवरऑल तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हो। और बीच में आपका जो 1500-1800 रुपये जो आपकी फ़ीस लगेगी और जो आप एग्ज़ामिनेशन का जो एक्सपेंसेस हो खर्चा रहेगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। बस यही है पूरी ओवरऑल डिटेल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।